पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद पुलिस ने 3 आरोपियों को 1,00,000 रुपए की जाली करेंसी के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से 100, 200 और 500 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। तीनों आरोपियों के पकड़ने के बाद मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने मुख्य आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। फिलहाल पुलिस वांछित आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल मामला है थाना मझोला क्षेत्र का। मझोला पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। एसएसपी हेमंत कुटियाल ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को लगभग 1,00,000 रुपए की करेंसी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नकली करेंसी चलाने का प्रयास कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तीनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। मझोला पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनके पास नकली भारतीय मुद्रा पाई गई, जिसको फेक इंडियन करेंसी नोट्स कहते हैं, और इसमें 100, 200 और 500 के डिनोमिनेशन के नकली करेंसी इन पे पाई गई है। कुल जो अमाउंट है ये 1,00,000 रुपए का जो अमाउंट के बराबर की ये करेंसी पाई गई है। ये 3 हैं, नौशाद, रईस और हसीब, जो रहने वाले नूरपुर, बिजनौर, भोजपुर, मुरादाबाद और कुंदर की मुरादाबाद के रहने वाले हैं। और साथ ही साथ में इनका एक और साथी है डॉक्टर नफीस, जो फरार है, वो ये लोग, इन पे मुकदमा हुआ है और ये लोग पकड़े गए हैं। ये डॉक्टर अब वो पीएचडी वाले डॉक्टर हैं, और अभी वो चीज़ अभी इन पे और हम कार्रवाई कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इनमें इनका क्या हिस्ट्री है, और ताकि ये सोर्स जो है उस तक हम लोग पहुँचे। और इन पे पहले भी डॉक्टर नफीस पे एक 376 का भी मुकदमा पहले से हो रखा है, और ये अभी वांछित हैं, और इस पे शीघ्र हम पुरस्कार करके इनको पकड़ने की कार्रवाई करेंगे। पूछताछ में ये बहुत ज़्यादा अभी विस्तृत इन्होंने नहीं बताया। जो इनके पास जो करेंसी थी, ये लोग अभी इन्होंने ली थी यूज़ करने के लिए, तो रामपुर एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति संभल में भी एक्टिव था, बट बहुत ज़्यादा अभी इनका कुछ नेटवर्क जो है वो क्लियर नहीं है, और हम लोग इस पर वर्क कर रहे हैं, जल्द ही जो बाकी नेटवर्क है वो भी क्लियर हो जाएगा। वही अभी वो चीज़ जो उनका मेन जो व्यक्ति बता रहे हैं डॉक्टर नफीस है, जिनके सोर्सेस ने लिया है, तो वो अभी फरार है, तो जैसे ही वो अरेस्ट होगा तो बाकी चीज़ें भी इसमें खुल जाएंगी। अभी तक इन्होंने मार्केट में ये नहीं चलाया था, अभी उससे पहले ही ये पकड़ लिया गया था। ये डिनोमिनेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, 100 के, 200 और 500 के डिनोमिनेशन में है, और कुल 1,00,000 रुपए तक की ये संख्या है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।